जीजू मुंबई लुक के लिए रेडी हो चुके हैं। ओए भाई क्या कहा था आपको? तो अगर आप लोग मुंबई आना चाहते हो तो बेस्ट वेदर एंड बेस्ट टाइम है मुंबई आने का। तो मैं जो आपको बता रहा था ये होती है गणपति जी की तैयारी, लिटरली इट्स दिवाली। बड़ा वाइब गाइस, बड़ा वाइब। कंग्रेचुलेशंस बाजी। ये हम लोगों का डे वन इन मुंबई और हम लोग आते ही सो गए थे। जी जो हम कितनी देर सोए यार, ज्यादा भी नहीं पर ठीक ठाक। ज्यादा नहीं, मैं अपनी बताऊँ आपको, मैं ठीक 10:30 बजे ब्रेकफास्ट करके सो गया था। मैं 1 बजे सोया ना। मैं 10:30 बजे ब्रेकफास्ट करके 5:30 बजे मैंने उठाया आपको। उस टाइम आप खत्म थे वरना आप अब तक ना उठते। मैं जीजू शौर्य रेडी हो चुके हैं नहावा के। बिल्कुल हम लोगों ने चेंज कर लिया क्योंकि हम लोगों ने 26 घंटे 27 घंटे तक वही कपड़े पहने हुए थे और दबा के लगाया है बहरीन मेड बॉडी मिस्ट। और अब जाके कहीं हमारे शरीर से सुगंध आनी शुरू हुई है। ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं बॉडी मिस्ट भी। मैं लगा लो बस जहाँ जहाँ लग रहा है। मजा आ गया। लेकिन चाय रखी है शौर्य की, पहले मंगा लेते हैं फिर बाद में पीते नहीं है। वहाँ पे लग चुका है व्लॉग अपलोडिंग के लिए और अब हम लोग निकले बेटा शौर्य। सो जीजू मुंबई लुक के लिए रेडी हो चुके हैं। जब जब मैं पापराजी बुला लूँ। जीजू इधर, जीजू सर, सर 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 लुक सर। तो अभी व्लॉग भी अपलोडिंग होने लग रहा है, जैसे कि मैंने आप लोग बताया था अपलोडिंग पे लग चुका है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि पहले हम थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं। जीजू को यहाँ की स्पेशलिटी खिला देता हूँ, विच इज बड़ी बड़ी बात है, वड़ा पाव खाते हैं। ठीक, पहले हम खाते वड़ा पाव चाय। और जीजू आज आपके लिए एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूंगा। क्या? गेट बंद कर दो, वो कभी बाहर के लोग भी सुन ले। आपने चाय पी थी रात, हाँ। उस कप के लिए कुछ आप कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, मैंने कहा यार इतना सा कप है, आज मैं जिस कप में आपको चाय पिलवाऊंगा ना आपको उसके बारे में बोलना नहीं कि ये छोटा है, आपकी आत्मा खुद बोल देगी बाहर आ जाए। अच्छा, ये साइज है। तो ऐसे से तो फिर 10 चाहिए होंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपके जैसे सामने कप आएगा आप ये कहोगे इसे पकड़ूं या वहीं रखे रखे को पी लूं। मतलब देखते हैं। चलो आपने लाइफ में नहीं देखा, मैं आपसे ओपन चैलेंज टू यू है। ये एयरपोर्ट बड़ी है उस कप से, आप याद रखना बस मेरी बात, इससे कंपेयर करेंगे। अरे बाप रे यार, ठीक है देखते हैं। चलो लास्ट व्लॉग में शायद जीजू ने नहीं देखा होगा और देखा भी होगा ना तो जीजू को ना ऐसे सच मतलब चीजें जब तक जीजू खुद ना देख ले जब तक इन्हें यकीन होता नहीं लगता है। तुम लोग VFX करवाते हो, ठीक ठाक बड़ा है। जीजू VFX करवाते हैं अपनी वीडियो में, जीजू को लगता है कि हम लोग VFX नहीं। वो तो मैंने देखा, वो तो बड़ा है ठीक ठाक। देखो जो कल आपका था वो इतना था, इतना था, वो इतना तो था, वो इतना है। अच्छा जी, मतलब ये उंगली आप यहाँ तक नहीं डुबा पाओगे, वादा है आपसे। ऐसे डुबाओगे तो यहाँ तक डूबे। तो फिर वो तो रिपीट करते होंगे सब। वे कोई 400 पी जाता है, कोई 1900। वैसे उस उन अंकल का कहना है चाय वाले का, और यू यदि भी यही बोल रही थी, हाँ। कि चाय तो आदमी को इतनी ही चाहिए। अच्छा, मतलब एक आदमी को जो बॉडी मांग रही है, जैसे कि तुझे खुद पता है मेरी आदत है अगर मुझे कप भरा हुआ दिख जाए तो मुझे पीता है। एग्जैक्टली, तो वही चाय तो आदमी को थोड़ी चाहिए। वैसे चाय तो इंडिया में तो भाई पीना चाहिए, देखो काम सरता नहीं है ना, मेरा चलता किसी का भी नहीं चलता मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, उसके बाद बस थोड़ी कम हो तो बेटर है क्योंकि वरना बॉडी को हार्म तो करती है। उनका तो बस फिर हर चीज में चल जाता है, उनका तो जैसे हमारा चाय के बिना काम चल रहा है, बस उनका भी हर चीज में चल रहा है। अब जैसे चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब अपना प्रोटीन पहले न्यूट्रिशन का वो लेके अपना वो मग BCAA नया लेके आ गया, अपना सील पैक हो क्योंकि मेरा दूसरा मिल नहीं रहा था। एक ZMA टैबलेट, एक मल्टीविटामिन टैबलेट लेके आ चुके हैं और एक लेके आ गए अपनी Liv 52 Dia, जिससे कि भविष्य में लिवर डैमेज ना हो जाए। ठीक है नहीं। और इधर अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं। वाह वाह यार, गाड़ी तो बैंगन नहीं करके चले गए वो लोग, बिल्कुल सुपर। सो मेरे पास कॉल आई थी जब हम सो रहे थे कि भाई वॉशिंग करानी है तो गाड़ी की वॉशिंग करवा देते हैं खड़ी खड़ी। और कसम से भाई बंदा ऐसी वॉशिंग करके गया है, ये देखो आप, अभी आप लोगों ने दिन में भी देखी होगी गाड़ी कैसी थी। अब हम लोग चलते हैं भाई, थोड़ा सा जीजू औरों को घुमा के लेके आता हूँ। रोड मैपिंग मेरी मस्त है ना वैसे, ये सब सच में ही है। बस अब गया है वो वड़ा पाव लेने के लिए और जीजू को चाय पिलवाता हूँ। मेरे से काफी कुछ सीख लिया तुमने। हाँ, अब बड़े से सीखता ही है इंसान। और वो जीजू मैं आपको डोसा का भी जिक्र कर रहा था ना, दीपी मुझे फर्स्ट टाइम यही लेके आई थी, सबसे फेमस है डोसा उसका है, वो भी खिलवाता हूँ आपको। ये जो बना रहा है वो जो लड़का बना रहा है अभी देखना आप, वो तो मतलब मजा बांधेगा। हाँ बेटा, एक ही बड़ा पड़ा। अरे टाइम कितना पूछिए, कितना टाइम लगेगा? अरे एक ही पड़ा है, नहीं कह रहा है बेटा, वो मैं जो कह रहा हूँ वो पूछ लो बाकी कितनी देर में आ रहे हैं, क्योंकि ये उसके घर से आते हैं बड़ा। अच्छा, तो अगर 15-20 मिनट बोल लगा तो जब तक चाय पी लिए। कितना? एक ही मिला टाइम, कह रहे अभी कोई ठीक नहीं आएगा, अभी कोई पता नहीं कहाँ कब आएगा। चाय ले ले बराबर वाले से, उसके पास भी पड़ा है चाय, ले लो उसी कैंसिल के बगल से। क्या चाय? हाँ
नहीं नहीं चाय ले ले उससे ले ले चाय, क्योंकि चाय ना पता नहीं किसकी होगी, वो बहुत छोटे से उसमें होती है, देखना अगर इतना सा डिस्पोजल हुआ ना, देख शोर ये डिस्पोजल तो उसका इतना, ये बन है इसके बीच में फंसा के एक बाइट लो बस ऐसी। ओके अच्छी चीज है ना, और ये ठंडा है फिलहाल, काफी टाइम का रखा है शायद, मतलब आधा पौना घंटे का, अच्छा लगता होगा काफी, मुझे दे देता आराम से। ओए भाई कुछ ज्यादा ही छोड़ दे यार, सही में भाई नहीं आएगी ओए यार, क्या है नीचे रखना एक बार, तो यार चाय के नाम की बेइज्जती है यार। अब रुक जाओ यहीं पकड़ के रखो, एक फोटो ले ये इसके बराबर में पकड़ो क्या कहा था आपको क्या कहा था आपको क्या कहा था आपको कहा था ना एयरपोर्ट पड़े चाय टाइम, एक इंची चाय एक इंची चाय, इसका नाम ही एक इंची चाय। जीजू उस डोसे का नाम है मैसूर डोसा, मैसूर मैसूर डोसा, रेडी गाइस मैसूर डोसा खाने के लिए, अगर अच्छा लगा और लगवाएंगे फिर। चाय भी अच्छी, चाय होटल से अच्छी, चाय तो तगड़ी है, होटल से अच्छी है भाई, इलायची इलायची वाली फ्रेग्रेंस आ रही होगी ये। कितना मजा आ रहा है भाई, तो दी लास्ट वीक मुझे लेके बैठी थी ऐसे ही, और आज मैं लेके बैठा हूँ तो मुझे बढ़िया कूल खुशी होती ना, ओवर एक्साइटेड रहती फिलहाल। लो भाई आ गया मैसूर डोसा, थैंक यू ब्रो थैंक यू। वाओ यार फूड का क्या प्रॉब्लम भाई, बहुत मतलब यार सीसी सीसी भी हो रही, लेकिन मजा बहुत आया खाने में, फुल नंबर अल्टीमेट टेस्ट, अल्टीमेट टेस्ट भाई, नेक्स्ट लेवल खत्म है एकदम, मतलब ये इसे खा के मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये चीज हमारे यहाँ नहीं मिलती भाई, ये डोसा मैंने मुझे फरनगर चंडीगढ़ दिल्ली अभी तक तो कहीं ट्राई किया नहीं भाई, जो मैसूर डोसा है बीट रूट का था ना इसमें, चुकंदर थी, नेक्स्ट लेवल था भाई यार, थैंक्स टू गॉड कि मुझे एक दो जगह दीपा जी ने से दिखा दी स्टार्टिंग में कि आप लोगों को लेके आ गया मैं, वरना मैं भी ढूंढ ही रहा था कुछ खाने के लिए। तो अगर आप लोग मुंबई आना चाहते हो तो बेस्ट वेदर एंड बेस्ट टाइम है मुंबई आने का, क्योंकि एक वाइब देखो आप लोग, रीजन है भाई रीजन है, ये चीज मैं मान गया कि फिलहाल हम मुंबई के दिवाली पे आए हैं, मुंबई की दिवाली अब है, मतलब एक तरीके से विसर्जन टाइम, तो विसर्जन पे इतना मजा आता है ना यार, क्योंकि यार हमारे वेस्टर्न यूपी में हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है दिवाली, कि हम कहीं भी हो दिवाली छोड़ के दिवाली पे अपने घर पे ही आना है मोस्टली सबको, वही सेम सीन, वो सेम यार यहाँ पे यार वाइब आ रही है, मतलब मैं सच बताऊं मुझे क्या चीज हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्या है बाप रे बाप, अरे फीलिंग बताओ जी, हर पांचवा बंदा कोई गणेश जी को अपना लेके आ रहा है, कोई उनको बुक करा रहा है, कोई सेवा कर रहा है, अब तो विसर्जन, कोई सेवा कर रहा है, लेके आ रहे हैं सब घर पे लेके जा रहे हैं, अब सब ढोल बज रहे ना पीछे, तो सब अब लोग गणपति का विसर्जन मतलब अपने घर स्थापित कर रहे हैं, कितना अंदर ऊपर यहां से देख ये बाजी और की सोसाइटी लेके जा रहा हूं लेके चलो, पूरी सोसाइटी गोकुल धाम बना दिया आज इस सोसाइटी में, गोकुल धाम सोसाइटी, तो गणपति लेके जा रहे फिर यू टर्न आए वहां से। ओके ओके, मैं जो आपको बता रहा था ये होती है गणपति जी की तैयारी, आज स्थापित हो रहे हैं गणपति जी सब लोगों ने, और ये सोसाइटी में इतना प्यारा डेकोरेशन करा हुआ है जीजू, लेकिन हमारे यहाँ देखो कितना कम क्रेज है ना इस चीज का, बहुत यार है ना? मैंने क्या कहा था तेरे को भी, लिटरली इट्स अ दिवाली, मतलब ये दिवाली है, मतलब महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो दिवाली है, अब है, सच बात है, वाओ इट्स लवली, बड़ा वाइब गाइस, बड़ा वाइब, बड़ा वाइब, वाइब बड़ा वाइब, मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ, और भगवान जी ने हमें ऐसे टाइम पे बुलाया अपने पास, अप्रिशिएबल है, हमेशा याद रखूंगा इस टाइम को मैं, है ना जीजू, जब भी कभी भविष्य में बात हुआ करेगी तो मैं कहा करूंगा कि यार हमने गणपति जी पे मुंबई आए थे, मैं 1 बजे सोया, ये 10:30 बजे निकालो, हमें निकालो, नहीं आप तो पहन रखो, आप तो पहन रखो, मैं वो रहूंगा ना,
आपको देखे क्या हो जाता है, मुझे हाथ मत लगा तू, कुछ नो एग्रेसिव हो जाता है। ये ले काट ले इसको, पता चले काटेगा तो मैं इसका नीचे जबाड़ा पकड़ लूंगा। भाई तेरी हाइट कब बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा भाई, कॉन्फिडेंस भी मेरे से मैच करना भाई तूने, अभी भी कर रहा है वो, कर ली वो, देखो ना अभी भी क्या बात है मेरी पिंक भाई, हम दोनों दोस्त बन गए। मेरे पास अपना डॉग है, तेरा कंपटीशन है उसके साथ, इसका नाम फ्लैश है भाई। इसका नाम क्या है, डब्बू? इसका नाम हीरो, इसका नाम गोगो। और मेरे कोच साहब भी जा रहे हैं आज तुम्हारे साथ, कल से हैव स्टार्टेड, कल से शुरू किया है। और व्लॉग कितना पीछे चल रहे हैं अभी, एक दिन अब बस। सो अभी जो आज गणपति हुआ है वो आप परसों दिखा दोगे सबको? वो मैं कल दिखा दूंगा, नहीं नहीं हां परसों, कल कल हम गणपति दिखाते हैं, कल हम गणपति दिखाते हैं, नहीं हो पाएगा मुझे फाइल से दो भाई, आप 8th फ्लोर पे क्यों जा रहे हो, पहले अंदर आओ। अच्छा लग रहा है काफी। तो जिम शुरू, चले अरुण भाई। या मैन ऑल सेट। जीन में आ जाए, मैं तो जीन्स अभी डाल के आ था, आज का वही है ना, जीन्स में वर्कआउट करना है, जीन्स वर्कआउट हमारे जो जीन्स है वो वर्कआउट करेंगे आज। यस बताओ ना फिर, जीन में करें आज? हाँ डन यार, वर्कआउट होना चाहिए, कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता यार, 2 मिनट तो लगनी है, मैं बता रहा हूँ वर्कआउट होना चाहिए, कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता भाई, अच्छा लग रहा है यार, रेड वाले डाल लेना, पर डालना क्यों लो बाबा, चलो ना अरुण बाबा रास्ते में से उठा लूंगा ना, होटल से आ जाओ, चलो चलो। तो वी आर रेडी फॉर जिम एंड परिंस पाजोरी शायद पहुंच चुके होंगे, हनन भाई पहुंच गए ना वो लोग जिम में? यस आई होप। चलो फिर हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, टी शर्ट कैरी कर रखी है साथ में? मैंने हाँ तो हुडी नहीं चलेगी भाई जी, आज नहीं भाई रुकेंगे। आपको एक गजब की बात बताऊं भाई, ट्रस्ट मी, वैसे मैंने बताई तुम्हें शायद भूल गए होंगे, मैंने 4 साल बाद डंबल उठाए थे जब मैं यहाँ मुंबई आया। वाओ मैन, बट उसके अकॉर्डिंग अपडेट ग्रेट है, और अभी अभी आप देखोगे और इम्प्रूव दिखेगा, मतलब ट्रस्ट में, मजा आ रहा है मुझे वर्कआउट करके। आज इतना मुंह खोल दूंगा तेरा जितना नीचे बना हुआ है, इतना खोल दूंगा भाई आज जी। ये बात बताऊं, ये वही सेट आ गया जो मैंने फर्स्ट डे शुरू किया था यहाँ, है ना, आज भी वैसे तेरे को फील होगा। आज पाजी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप बताओ, मिस्टर ओलंपिक की तैयारी हो रही है? वाओ है ना, मिस्टर ओलंपिक की तो तैयारी हो रही है। सो आज हम लोग करने लगे हैं चेस्ट, जीजू को और शोरे को मैं घर छोड़ के आ गया क्योंकि वो लोग वर्कआउट नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग आए हैं। और अरुण भाई क्या करता है ना, अरुण भाई अपनी जान बचाने के लिए पहले ही सेट लगा लेता है भाई। कितने, 4 सेट हैं? 4 लगाएंगे, 6। मैं गाड़ी के नीचे आ रहा हूँ, अजू को ऐसा है कि यही डिमोटिवेट कर दूंगा, अब स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेट कर दूंगा कहीं, चलो 6 लगाएंगे। 6 hypnotize me into a trance, thinking I really had a chance, but I woke up on my own, the world keeps on spinning round, I'm planting my own। भाई कैसा रहा वर्कआउट? भाई बहुत बढ़िया। वर्कआउट कैसा रहा? मुझे तो ठीक रहा, तेरा कैसा रहा सांस की चिड़ी? ठीक ऐसे हुए। आज तो फिर भी इतना नहीं कराया मैंने, आज लेकिन, तो लेकिन आज था बहुत अच्छा था, मतलब इंटेंस था ना, मार्केट बनाया माला है। तो अपन अभी चलते हैं घर की ओर, एंड प्री वर्कआउट ने अच्छा साथ दिया, लेकिन मजा आ गया, अभी भी ऐसा हो रहा है, लगवा दो सेट और भाई, बस चलते हैं। चलो ओके दिलीपा जी, मिलते हैं जल्दी, चलो जतिन ने गिफ्ट दिए हैं, चलो भाई आप सुबह मिलते हैं 10 बजे, दोनों टाइम शुरू, अब उल्टी तो नहीं आ जाएगी सुबह, जिम तो हम जल्दी करेंगे, 9 बजे, 9 बजे पहले हम जिम करेंगे, फिर सुबह घर चलेंगे, कल तो मजा आएगा घर पे, फिर खुशी आ जाएगी, फिर और मजा आएगा। डन, बाय बाय। सुबह के 4 में अब वर्कआउट करके आ रहा हूँ, मतलब डाइट वाइट लेके, गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग, सो गए था? जीजू भी नहीं सो रहे, उठ रहे जीजू? जीजू वो देख उधर, वो चल रहा शमशेर,
हिलाई दीजिए, हिलाई हिलाई हो। क्या हाल है लड़के, आप तो जाने वाले थे घूमने। हाँ मैं क्या, आप तो घूमने जाने वाले थे ब्रो, बंबई में रह के पैसा कमाना ऐसे थोड़ी है। तेरी पहली नाइट कैसी है बेटा यहाँ? नेक्स्ट लेवल है मुंबई में जीजू, आपकी मजा आ गया। आपकी भी जीजू फर्स्ट नाइट इन मुंबई है ना? वाह यार गाइस, तुम लोग कितना वो फील कर रहे हो, प्राउड आज किसके ऊपर? चौधरी साहब के ऊपर। ओके सो गाइज, आज के लिए मतलब अभी के लिए इतना रखते हैं, सीधा सुबह मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि अब आ रही है तगड़ी नींद और टाइम भी नींद का हो चला है, तो सुबह ही आप लोगों को मिलेगा पॉइंट ऑफ व्यू खुशी का देखने वाला। मतलब आप लोगों को मिल चुका होगा ऑलरेडी, जब मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ तब तो व्लॉग्स आ ही रहे हैं धनाधन। सो कल मैं खुशी को लेने जाने वाला हूँ सुबह। ओके और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है सुबह, वो क्या है सुबह पता लगेगा। तो अभी जल्दी से गुड नाइट करते हैं, गुड नाइट।